हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कुछ दिन पहले मैं फ्लिपकार्ट पर ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स ब्राउज कर रहा था और मुझे देखने को मिला 5,84,000 से भी ज़्यादा 4.3 रेटिंग्स के साथ बोट बेस हेड्स 100। तो सोचा कि क्यों ना इसे ऑर्डर करके टेस्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके बताऊँगा प्रो एंड कॉन्स के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो ये है बॉक्स बोट बेस हेड्स 100 की। काफ़ी फन की डिजाइन होती है बोट की बॉक्सेस की। पीछे कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई है लाइक सुपर एक्स्ट्रा बेस लिखा हुआ है यहाँ पर फ्रेंड्स ये तो हम आगे देख ही लेंगे। फ्रेंड्स क्या होता है, मैं पहले अनबॉक्सिंग शूट करता हूँ, कुछ दिन यूज करता हूँ, उसके बाद मैं रिव्यू करता हूँ। पर उसी बीच इस बार क्या हुआ, गलती से अनबॉक्सिंग वीडियो डिलीट हो गया। तो अनबॉक्सिंग तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही बॉक्स कंटेंट्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं बॉक्स के अंदर। एक कैरी पाउच देखने को मिलता है, वारंटी कार्ड है यहाँ पर, और ये एडवर्टाइजमेंट अदर प्रोडक्ट्स की। और हाँ, ऑफकोर्स यहाँ पर ईयरफोन भी देखने को मिलता है। ये फोर डिफरेंट कलर्स में आता है, ब्लैक, रेड, पिंक और वाइट। तो ये है हमारा ईयरफोन। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ ये जो केबल है काफ़ी ठीक है। इस प्राइस में भी ऐसी क्वालिटी मिल रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। हाँ, ब्रेडेड केबल नहीं है, पर क्वालिटी बहुत ही सही है। इवन यहाँ से भी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सच में मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ इसकी क्वालिटी से। ईयरबड्स प्लास्टिक के हैं और कुछ इस टाइप के डिजाइन के साथ आते हैं। ईयरबड्स थोड़े से चीप फील होते हैं, पर इस प्राइस में कोई कंप्लेन मैं नहीं करूँगा। पर हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हैं, सो पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल भी हैं और काफ़ी अच्छे से ईयर्स में फिट होते हैं। लाइट वेट की वजह से काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज कर सकते हो। देन यहाँ पर एक इनलाइन माइक भी देखने को मिल जाता है और एक मल्टीफंक्शनल बटन। आप इसे म्यूजिक प्ले पॉज और कॉल वगैरह रिसीव करने के लिए यूज कर सकते हो। पर यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलता। ये है इसका 3.5 mm जैक। ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है और एल शेप्ड में भी नहीं आता। पर भाई देखो, प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा। और हाँ, यहाँ पर एक केबल मैनेजर भी देखने को मिल जाता है, तो आप इसे कहीं पर भी आसानी से कैरी कर सकते हो। साथ में एक कैरी पाउच भी देखने को मिल जाता है इसके साथ। माइक की क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको एक ऑडियो सैंपल सुनाता हूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। ये जो ऑडियो है ये ईयरफोन की माइक से रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है। अब आते हैं साउंड क्वालिटी पे। इसमें 10 mm की ड्राइवर्स दी गई है। साउंड क्वालिटी इस प्राइस के अकॉर्डिंग सही में काफ़ी अच्छा है। वोकल्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा सुनने को मिलता है और ट्रेबल भी इसका अच्छा है। बेस यहाँ पर अच्छा सुनने को मिलता है, नॉर्मल बेस सुनने को मिलता है। पर क्योंकि इसका नाम बेस हेड्स है, तो इसमें एकदम ही बेस को बूस्ट किया गया होगा ऐसा नहीं है। अगर आपको हेवी बेस चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है। मैंने देखा है बोट ईयरफोन्स को बेस ईयरफोन्स करके इनकी मार्केटिंग करता है, पर कुछ ईयरफोन्स में उतना ज़्यादा बेस नहीं होता। तो यहाँ पर ओवरऑल साउंड क्वालिटी में ये काफ़ी अच्छा है। इवन इसमें आपको कुछ 500-600 की ईयरफोन्स की लेवल की साउंड क्वालिटी सुनने को मिलेगा। अब आते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। प्रोज की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी है और इसकी डिजाइन है। देन इसकी साउंड क्वालिटी है और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। इसकी कमी की बात करें तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलता है और हेडफोन जैक जो है गोल्ड प्लेटेड नहीं है। तो अगर आपको 400 rupees के अंदर अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छी साउंड और अच्छी कम्फर्ट के साथ एक नॉर्मल बेस ईयरफोन चाहिए तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स ये था बोट बेस हेड्स 100 के रिव्यू। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा और आप इसे बाई करना चाहते हो तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अंशुमान साइनिंग आउट।